यहाँ से जाएगा ना तो और स्टेज के करीब पहुँच जाएगा. आपका सफर जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है, बहुत सारे नए लोग सीखते हैं आपसे. तो आपकी जिंदगी का जो ये संघर्ष है, ये जो सफर है, उसके बारे में जरूर हमें बताएं, जिससे जो लोग आपको सुन रहे हैं यहाँ वो उससे प्रेरणा लें और अपनी जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल कर सकें. जी जरूर. आई थिंक सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे ऐसे नोबल कॉज के लिए यहाँ बुलाया गया है, शामिल किया है आप सबके साथ. आप सबके लिए भी आई थिंक एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता है, बिकॉज आप इतने अच्छे कॉज के लिए यहाँ आए हैं. यू ऑल डिजर्व इट, विच इज़ वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेव द गर्ल चाइल्ड. पर्सनली भी आई थिंक मुझे इसके बारे में काफ़ी क्लोजली फील होता है. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल एवरीबडी कि हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम जिन फैमिली से आते हैं, मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि आई कुड मेक माई ड्रीम कम ट्रू. सो टू ऑल द ब्यूटिफुल गर्ल्स आउट देयर, टू ऑल द लिटिल गर्ल्स आउट देयर हु आर वॉचिंग, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल देम नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम, नेवर स्टॉप बिलीविंग, बिकॉज आई नेवर गिव अप. आई बिलीव्ड एंड आई होप्ड एंड आई हैड दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर. If I can make it come true, so can you. So that's what I'd like to tell all of you. And yes, हम लोग बहुत lucky हैं कि हमारी families हमारे साथ हैं, हमें इतना support करती है. इतनी खूबसूरत लड़कियाँ आज यहाँ पर हैं, इतने beautiful contestants भी यहाँ पर हैं. तो save the girl child के लिए हमें जितनी awareness हम लोगों में फैला सकें हमें ज़रूर करना चाहिए. And to you, इनकी वजह से I think हम सब शामिल हुए हैं, यहाँ gathered हुए हैं. So आई होप कि आने वाले सालों में भी आप जितना कुछ कर रहे हैं उतना करते ही रहेंगे. वी ऑल सपोर्ट यू इन दैट. थैंक यू प्रति, थैंक यू सो मच. और मैं चाहूँगा कि देवेंद्र जी भी इस प्रोग्राम के बारे में और जो सोच रही है इस प्रोग्राम को करने की उसके बारे में सभी को बताएं. गुड इवनिंग ग्वालियर, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग यार, जोरदार ताली बजाकर हम प्राची जी का स्वागत ग्वालियर नगर है. जोरदार आवाज आ रही है, आवाज जोरदार चाहिए यार, और जोरदार. सबसे पहले इंटरनेशनल फेस ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हम सबके बीच मुंबई से पधारी हुई, हम सब जिनको बहुत लंबे समय से जब टीवी पर देखा करते थे और कब हम लोग ने फिल्मों में देखना स्टार्ट कर दिया इसके पता ही नहीं चला, ऐसे हम सबके लिए प्राची देसाई जी, हम उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं. सभी ग्वालियर वाले की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ. कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी जिन लोगों ने इस मंच से लेकर और गेट तक जो भी अच्छा दिखाई दे रहा है उन सब में जितने हमारे, मैं स्पॉन्सर्स कहना पसंद नहीं करता, वो सब हमारे सहयोगी हैं. और स्पॉन्सर्स तो प्रोफेशनल वे में कहना ठीक रहता है, लेकिन जो सहयोगी होते हैं उनसे हम घर का मानते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनने इस कार्यक्रम में हम सबको बहुत सहयोग किया. निरंजन भैया यहाँ पर है, संदीप तो आप सब जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन है. ये जो कार्यक्रम है शायद आपको जानकारी ना हो, ये हरियाणा से है और रूबरू ग्रुप इनकी बदौलत ही यहाँ चलता है. हम सब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर ये ना होते तो शायद ये कार्यक्रम भी ग्वालियर में नहीं होता, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है. और ये कार्यक्रम ग्वालियर में हुआ उसके लिए मैं संदीप को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. लेकिन एक बड़ी बात हम सब देखते हैं और महसूस करते हैं, जब हम किसी बड़े स्टार को देखते हैं, किसी बड़े राजनेता को देखते हैं या किसी भी फील्ड में हम ले रहे हैं, चाहे कोई बड़ा सेलिब्रिटी जब बन जाता है कोई भी हो वर्ल्ड क्लास लेवल में, मैं ओबामा से शुरू करता हूँ और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम महसूस करते हैं तो हम केवल चमक को देखते हैं कि यार आज मंच हमको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत चमक है, लेकिन उस चमक के पीछे मेहनत कितनी होती है शायद कोई नहीं देखता. क्योंकि जब भी कोई